अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ पालक और बड़ी का सालन। इसके लिए मैंने बड़ियाँ ली है, मूंग की दाल की बड़ी ली है 200 ग्राम, और ये थोड़े बड़े साइज़ की बड़ी है तो इसको ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको फ्राई करूँगी, और जो मसाला तैयार करेंगे वो इस तरह से है कि मैंने यहाँ पर दो प्याज लिए हैं, एक बड़ा और एक आधा लिया है, एक टमाटर, दो हरी मिर्चें, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। तो मैं ये जो दो मिर्चें और आधा प्याज और लहसुन और अदरक को पीस के एक पेस्ट बना लूँगी। इस वाले प्याज को मैं बारीक चॉप कर लूँगी, और ये जो टमाटर है मैं इसको भी पीस कर इसका पेस्ट बना लूँगी। तो पहले हमें फ्राई करना है बड़ियों को, तो इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून तेल चढ़ा दिया है, और यहाँ पे बड़ी डालेंगे और इसे हल्की आँच पर सुनहरा होने तक मुसलसल हिलाते हुए फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। बहुत ड्राई होती हैं तो ये बहुत जल्दी जल जाती हैं, तो इन्हें हिलाते हुए इन्हें ब्राउन करना है। और देखें कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, पानी डालेंगे 2 कप, और इसे प्रेशर कुक करेंगे तेज़ आंच पर। इसे 2 विसल देने के बाद 8 से 10 मिनट तक पकाना है, और अगर छोटी बड़ियां हैं तो 5 से 6 मिनट पका सकते हैं, बड़ी हैं तो मैं इसे 8 से 10 मिनट पकाऊंगी। तो और देखें कितनी अच्छी ये पक गई हैं 8 से 10 मिनट के बाद, सारा पानी अब्जॉर्ब हो गया है, जली बिल्कुल भी नहीं है, और अब ये इतनी नरम हो गई हैं कि आप इसे चम्मच से ही ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े पीसेस है ना अच्छे नहीं लगते हैं, ये अच्छा छोटे छोटे पीसेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस तरह से आप इसे ब्रेक कर लें, और ये बहुत नरम हो गई हैं अब। तो इस तरह से अब इसको ब्रेक करने के बाद इसके मसाले की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 लौंगें डालकर इनको कड़कड़ाने देंगे। साथ में डालेंगे चॉपकी हुई प्याज को डाल के इसको इतना पकाना है हल्की आँच पर कि ये गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, गुलाबी गुलाबी सी। तो ये देखें गुलाबी हो गई है, इसका इतना ही कलर रखना है, बहुत ही हल्की गुलाबी सा कलर आया है। नेक्स्ट इसमें डालेंगे लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च को पीस के जो पेस्ट बनाया था वो शामिल करेंगे इसमें। नेक्स्ट इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी है, धनिया पाउडर है 2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून है, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून है, चाट मसाला 1 टीस्पून है, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून है, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून है। ये डालेंगे और इसे भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो मसाला बहुत अच्छा भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, मसालों की खुशबू आ रही है। इसमें डालेंगे तैयार की हुई टमाटर की प्यूरी और इसे कच्चापन जाने तक भूनेंगे। तो ये देखें ये टमाटर भी अच्छी तरह से भुन गया है, और अब इसमें डालेंगे पालक। 2 कप पालक लिया है मैंने, इसे बहुत बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसे शामिल करने के बाद इसे खुले में ही इसको कुछ स्टर करेंगे ताकि पानी अपना पालक अपना पानी रिलीज़ कर दे। अगर ढक देंगे तो एक पालक की एक हीक जैसी होती है ना, वो रह जाती है। तो पहले खुले में पकाएंगे, उसके बाद इसे ढक दें ताकि ये पालक नरम हो जाए। तो ये देखें पालक को मैंने फ्यू मिनट्स के लिए ढक दिया था, और ये बहुत अच्छा नरम हो गया है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस अब इसमें डाल देंगे बड़ी, जो कि पहले ही प्रेशर कुक करके रखी थी, वो इसमें शामिल कर देंगे, और इन सबको इसमें एक बार मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले बड़ी के साथ मिक्स हो जाएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।